हेलो एवरीवन मु अजय आपण मानक वेलकम करछि एल मेडिकल लाइफ यूट्यूब चैनल को। आज आम डिस्कशन करवा पेडियाट्रिक नर्सिंग पार्ट 7 सिलेक्शन एमसीक्यू पर जो माने भी ओट्रिपल एस किंबा एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पे प्रिपरेशन होचंदी तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, जमार वीडियो रा स्किप करंतु नाही, काहे ना वीडियो रा वेरी 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 इंपोर्टेंट हा पई जाउची। जे एपर्यंत जदि हमर चैनल जदि सब्सक्राइब करनांती तो हमर चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देंतु। देखंतु बहुत जण पिला आपण माने क्लास करचंदी, वीडियो देखुचंदी कि चैनल को सब्सक्राइब करनांती। देखंतु सब्सक्राइब करबा द्वारा आपण पाको फास्ट नोटिफिकेशन पडिबो, आपण फास्ट टच करि परबे, आपण फास्ट वीडियो देखि पाइरे। सेति पई मु कहउची जदि सब्सक्राइब करनांती तो आको सब्सक्राइब बटन दबिक आप सब्सक्राइब कर दिंतु। ठीक अच्छे, जदि आम क्लास टाइम जानना तो आम क्लास टाइम हो डेली 9 PM सब दिन रात 9 आम लाइव क्लास हो तो जॉइन हो जातु रात 9 सब दिन लाइव क्लास करवाई। ठीक अच्छे, जदि आज फास्ट क्लास कर प्रिवियस क्लास गुड़ा जब करना तो प्रिवियस क्लास सब जाक लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेगी। जदि आपड़ा चाहते प्रिवियस क्लास गुड़ाक तो लिंक पर क्लिक करके आपने प्रिवियस क्लास सब क्लास गुड़ाक करेंगे। ठीक अच्छे, चलो आज क्लासटा स्टार्ट करवा। प्रीवियस क्लास रे मुझे आपको गोटे क्वेश्चन पचारी आउ कही फास्ट जी राइट आंसर दे पारे मुझे ना नेक्स्ट क्लास एनाउंस करी। ठीक अच्छे, तो क्वेश्चन कौन थी देखा, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फोबिया सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आमर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया कौटा जोटा कि आम देखा मिलता है कौटे ना क्लिनिकल प्रैक्टिस आमको देखा मिलता है कौ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फोबियाटा। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा, ए ऑप्शन अच्छी सोशल फोबिया, बी ऑप्शन अच्छी सिंपल फोबिया, सी ऑप्शन अच्छी एगोराफोबिया, डी ऑप्शन अच्छी क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक अच्छे, कौटा है राइट आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन सी एगोराफोबिया। एगोराफोबिया आम कौन होता है ना क्लिनिकल प्रैक्टिस आम मोस्ट कॉमनली आम देखा मिलता है। ठीक अच्छे, तो यार बहुत जन पिला राइट आंसर दे किसी जन पिला रॉन्ग आंसर भी देखते। तो फास्ट जी आम राइट आंसर देखते हम रेगुलर व्यूअर एंटरटेनमेंट बाबी, कंग्रेचुलेसन एंटरटेनमेंट बाबी, एमती आमको भल पाई देखु, एमती आम भिड देखु, आपन फ्यूचर ब्राइट हो। ए क्लास भी मुझे लास्ट गोटे क्वेश्चन पचारि आ फास्ट जी राइट आंसर दे पारे मुझे ना नेक्स्ट क्लास एलाउंस करी। ठीक अच्छे, तापूर्व एगोराफोबिया कौन मुझे फुल एक्सप्लेनेशन सहित बुझे दूँ, देखो कौन दे फियर ऑफ प्लेस एंड सिचुएशन द माइट कॉज पैनिक हेल्पलेसनेस और एम्ब्रेसमेंट। एगोराफोबिया इज एन एंजाइटी डिजर्डर दर ऑप्टन डेवलप्स आफ्टर वन और मोर पैनिक अटैक। कौन कहला ना यहाँ हूँ आम गोटे प्लेस कि गोटे सिचुएसन को आम फियर कर दबो, गोटे डरी जाइ कि प्लेस कि गोटे सिचुएसन को दैट माइट कॉज पैनिक अटैक। को कारण पैनिक अटैक हो कि हेल्पलेसनेस हो कि अप्रेसमेंट जो कारण आम कौन गोटे सिचुएसन कि गोटे प्लेस को आम फियर बा डरी जाइ। ठीक अच्छे, एगोराफोबिया कौन एटा हूँ गोटे एंजाइटी डिजर्डर, एगोराफोबिया इज एन एंजाइटी डिजर्डर दैट ऑफ्टन डेवलप आफ्टर वन और मोर पैनिक अटैक। जोटा डेवलप होता है गोटे कि अधिक गोटे कि गोटे अधिक पैनिक अटैक होगा यहाँ भितर डेवलप हो जाए जोटा कि आम प्लेस कि सिचुएसन को आम डरी जाइ। ठीक अच्छे, बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रेड यूरीन विदाउट आरबीसी इज सीन इन। आम जो रेड यूरीन आसता है कौन ना विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी जो रेड यूरीन आसता है सर कौ केस देखा देते कौ डिजर्डर आम देखा दे जोटा कि रेड यूरीन आसो किंतु विदाउट आरबीसी। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा, ए ऑप्शन अच्छी लुपस नेफ्राइटिस, बी ऑप्शन अच्छी पाइलो नेफ्राइटिस, सी ऑप्शन अच्छी हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डी ऑप्शन अच्छी आरएस अब्डो माइलेसिस। तो कौट है यार राइट आंसर कहुत, जो मैंने भी यार राइट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिखुं, देखा कत पिला राइट आंसर दे पार्टी समस्ते कमेंट करूँ। ठीक अच्छे, यार राइट आंसर ऑप्शन डी आरएच अब्डो माइलेसिस। ठीक अच्छे, आम रेड कलर यूरीन विदाउट आरबीसी कौन थे आम देखा पाई ना आरएच अब्डो माइलेसिस आम देखा पाई। ठीक अच्छे, आप भावते कि आरएच अब्डो माइलेसिस कौन मुझे फुल एक्सप्लेनेशन तो आपको बुझाई दूसरी, देखो जमार भी ओरिएट हूँ कौन कही ए ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू दैट रिलीज ए डैमेजिंग प्रोटीन इनटू द ब्लड। दिस मसल टिश्यू ब्रेकडाउन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ए प्रोटीन मायोग्लोबिन इनटू द ब्लड, मायोग्लोबिन कैन डैमेज द किडनी। आमर कौन कहला ना एटा ए गोटे ब्रेकडाउन करता है कौन ना मसल टिश्यू, गोटे मसल टिश्यू से ब्रेकडाउन कर देता है जोटा रिलीज होता है कौट ना डैमेजिंग प्रोटीन, रिलीज होता है आम डैमेज प्रोटीन इन द ब्लड, ब्लड रे आम डैमेज प्रोटीन आम कौन होता है ना रिलीज होता है जोटा कि आम कौन होता है ना रेड कलर यूरिनेशन होता है। ठीक अच्छे, बुझीपारे आम मसल टिश्यू से ब्रेकडाउन होता है आ रिलीज होता है डैमेजिंग प्रोटीन कौन थी ना इनटू द ब्लड, ब्लड आम रिलीज होता है ताको आम कह
जोटा कि आसता है आम रेड कलर यूरिन बुझिपारे विदाउट आरबीसी ठीक अच्छे बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एडेमा इज ए साइन इन ह्विच अफ द फलोईंग न्यूट्रिशनल डिजर्डर गोटे एडेमा गोटे हूँ आम गोटे सैन जोटा कि आम स्वेलींग ठीक अच्छे गोटे सैन जोटा कि कौ डिजर्डर आमर कौ न्यूट्रिशनल डिजर्डर आमर ए भितर कौ न्यूट्रिशनल डिजर्डर आम देखा दे था जोटा कि एडेमाटा बुझिपारे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए भाई ऑप्शन अच्छी काशी ओकर बी ऑप्शन अच्छी मारास्मस सी ऑप्शन अच्छी अंडरवेट डी ऑप्शन अच्छे न्यूट्रिशनल डर्फिजिम ठीक अच्छे तो कौट है राइट आंसर कहुतु जो मैंने भी राइट आंसर जानते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिंतु देखा कत पा राइट आंसर दे पार्टी समस्ते कमेंट करूँ ठीक अच्छे या राइट आंसर हम क्वासी अकर ऑप्शन ए क्वासी अकर ठीक अच्छे यार कौन मुझको यार फुल एक्सप्लेनेशन तो बुझे दूसरी क्वासी अकर कौन डिजर्टर आम कौन होता है ना गोटे मैंने सैन देखा देते सीटा हो एडेमा बुझिपारे तो ये मुझे कौन क्वासी अकर मुझको फुल एक्सप्लेनेशन सहित बुझे दूसरी देखो क्वासी अकर इज ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक इयरली सिम्पटम इनक्लूड फैटिक इरिटेबिलिटी एंड लेथार्जी आज प्रोटीन डेब्रिवेशन कंटिन्यू वन सी ग्रोथ फेलर लॉस ऑफ मसल मास जेनरलाइज स्वेलिंग एडमा एंड डिक्रीज इम्यूनिटी कौन है ना यहाँ हो गए इनएडिक्वेट जब आम प्रोटीन इनटेक जी करवा इनएडिक्वेट जी जी परिमाण जब गोटे बेबी को आम जी दरकार से आम कौन इनएडिक्वेट जब प्रोटीन इनटेक करवा से कंडीशन आम कौन था काशी ओकर देखा दे था ठीक अच्छे यहाँ हूँ गोटे प्रोटीन 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 माने जदि आम जब इनटेक जब कम करवा से जगह आम कौन होता है काशी ओकर देखा दे था ठीक अच्छे यहाँ इयरली सिम्टम आम कौन कौन होता है फैटिक लगी था इरिटेबिलिटी होता है लेथार्जी लगी था बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए चाइल्ड हु इज ऑन वेजिटेरियन डाइट ओनली द पेडियाट्रिक नर्स इज अलर्ट टू द चाइल्ड पोटेंशियल डेफिशिएंसी ऑफ अमर गोटे चाइल्ड कौन कर ओनली वेजिटेरियन डाइट नौकरी ओनली वेजिटेरियन डाइट से खाऊंट तो जो पेडियाट्रिक नर्स कौ पोटेंशियल डेफिशिएंसी कौ पोटेंशियल डेफिशिएंसी हमारे अलर्ट अलर्ट रही ठीक अच्छे कौ डेफिशिएंसी हमारे गोटे जो पेडियाट्रिक नर्स अलर्ट रही ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ऑप्शन अच्छे नियासिन बी ऑप्शन अच्छी थायमिन सी ऑप्शन अच्छी विटामिन बी सिक्स डी ऑप्शन अच्छे विटामिन बी ट्वेल्व ठीक अच्छे कौटा है यार राइट आंसर कहुत जो मैंने भी राइट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिंतु देखा कत पा राइट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ ठीक अच्छे राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व आम पोटेंशियल डेफिशिएंसी होबार बहुत चांसेस थाए से जगह आम कौन होता है गोटे पेडियाट्रिक नर्स अलर्ट रही जदि जो वेजिटेरियन जदि जो चाइल्ड नौकर ओनली वेजिटेरियन से जगह आम विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली चांसेस थाए ठीक अच्छे विटामिन बी ट्वेल्व कहीं डेफिशिएंसी आप फुल एक्सप्लेनेशन तो बुझे दूसरी देखो ये कौन कहला ना ये न्यूट्रिएंट इन द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दैट बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी विटामिन बी ट्वेल्व हेल्प्स मेक रेड ब्लड सेल डीएनए आरएनए एनर्जी एंड टिश्यू एंड कीप्स नर्व सेल हेल्दी इट इज फाउंड इन लिवर मीट्स एग पाउटली सेलफिल्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कौन कहला ना यहाँ हूँ गोटे न्यूट्रिएंट जोटा कि आम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रो जोटा कि बॉडी नीड करते स्मॉल अमाउंट ऑफ फंक्शन आउ स्टे हेल्दी आउ फंक्शन एबार आम नीड करता है गोटे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्सटा ठीक अच्छे तो यहाँ आम कौन आम हेल्प करता है विटामिन बी ट्वेल्वटा आम हेल्प करता है रेड ब्लड सेल मेक करिवारे डीएनए आरएनए एनर्जी आउ टिश्यू आम तैयारी करटामिन बी ट्वेल्वटा हेल्प करता है ठीक अच्छे आम कौ जगार विटामिन बी ट्वेल्वटा पाई ना लिभर मिट्रे एग्रे पोल्ट्री सेलफिश मिल्क आउ मिल्क प्रडक्ट मेनली आम पाई था मैंने मेनली आम कौन ना ननभेज आईटम मेनली आम अधिक आम विटामिन बी ट्वेल्वटा पाई था तो से जी ननभेज खाए अल्ली जी भेजिटेरियन खाए से जगह आम विटामिन बी ट्वेल्व आम डेफिशिएंसी हमारे मोस्ट लाइकली चांसेस थाए से जगह आम जब जो वेजिटेरियन जो चिल्ड्रेन खाऊ चाइल्ड खाऊँगी आम जो नर्स पेडिटेरियन नर्स कौन होती है अलर्ट रही है बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑल आर सीन इन काशी ओकर एक्सेप्ट आमर सबूक जो ऑप्शन दे सबूक आम देखा दे था कौटी ना काशी ओकर
କାଶୀୟକର ଆମର ସବୁଯାକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, କେଉଁ ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କେଉଁଟା, କେଉଁ ଗୋଟେକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର କାଶୀୟକର ବାକି ସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆପେଟାଇଟ୍, ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ଫ୍ଲାଗ୍ ସାଇନ୍ ଅନ୍ ହେୟାର୍, ସି ଅପସନ୍ ଅଛି ହିପାଟୋମେଗାଲି, ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପାତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ହେବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣ ବି ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆପେଟାଇଟ୍। ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆପେଟାଇଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଫ୍ଲାଗ୍ ସାଇନ୍ ଅନ୍ ହେୟାର୍ ହଉ କିମ୍ବା ହେପାଟୋମେଗାଲି ହଉ କିମ୍ବା ଆପାଥି ହଉ, ସବୁ ଯାକ ଆମର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ନା କାୱାର କାଶୀୟକରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଶୀୟକରରେ ଆମର ସବୁଯାକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଆମର ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆପେଟାଇଟ୍ଟା ଆମର ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏଟ୍ ଦ ଫ୍ରିଜ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର୍। ଆମର କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର କ'ଣ କଥା ନା ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାଉ ଫ୍ରିଜ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର୍। ରେଫ୍ରିଜେରେଟର୍ ଫ୍ରିଜ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ଅପସନ୍ ଅଛି ଓବିବି, ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସି ଅପସନ୍ ଅଛି ଡିପିଟି, ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଚ୍ପିଭି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇପାରେ ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ବି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବା ଅପସନ୍ ଏ ଓପିଭି। ଓପିଭିଟା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର୍ର ଫ୍ରିଜର୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ନଟ୍ସ ଉଡ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ୱିଥ୍ ବାର୍ ଆସେପ୍ସିଆ। ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ ନର୍ସ ସୁଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଫାଇଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନରେ ବାର୍ଥ ଆସ୍ପେକ୍ସିଆ ଯଦି ହେଉଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନର ବାର୍ଥ ଆସ୍ପେକ୍ସିଆ ଯଦି ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ଅପସନ୍ ଅଛି ହାଇପରପ୍ରୋକ୍ସିଆ, ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏସିଡୋସିସ୍, ସି ଅପସନ୍ ଅଛି ହାଇପରକାପ୍ନିଆ, ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି କେଟୋସିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିର ଯଦି ବାର୍ଥ ଆକ୍ସପେକ୍ସିଆ ଯଦି ହେଉଛି, ଜଣେ ଆମ ନର୍ସ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଏସିଡୋସିସ୍। ଏସିଡୋସିସ୍ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯଦି ବାର୍ଥ ଆସ୍ପେସିଆ ଯଦି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏସିଡୋସିସ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ଡେଲିଭରି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଆଫ୍ଟର୍ ଡେଲିଭରି ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ମଦର୍ ପାଖରୁ ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ଅପସନ୍ ଅଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍, ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ଲାକ୍ଟୋଜ୍, ସି ଅପସନ୍ ଅଛି ହିଣ୍ଡ ମିଲ୍, ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି ଡିସିଡ଼ୋ ମିଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ବି ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍ଟା ଆମର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ରେ, ଆଫ୍ଟର୍ ଡେଲିଭରି ପରେ ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆମର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍। ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍ରେ କେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଅଛି IgE, ବି ଅପସନ୍ ଅଛି IgD, ସି ଅପସନ୍ ଅଛି IgG, ଡି ଅପସନ୍ ଅଛି IgM। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ IgE। IgE ଯେଉଁ ଆମ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଦ ମଦର୍ ସୁଲ୍ ଫିଡ୍ ଦ ବେବି। ଗୋଟେ ମଦର୍ ଗୋଟେ ବେବିକୁ କେତେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଆମର ଫିଡ୍ ଦେଇଥାଏ, ଫିଡିଂ ଯେଉଁ ଦେଇଥାଏ କେତେ ଟାଇମ୍ର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମଦର୍ ଗୋଟେ ବେବିକୁ ଫିଡ୍ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆୱାର୍,
बी ऑप्शन अच्छे 2 to 3 hour, सी ऑप्शन अच्छे 2 to 4 hour, डी ऑप्शन अच्छे 4 to 5 hour. ठीक अच्छे कौटा हेबर रईट आनसर कहुत जो मैंने रईट आनसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखुं देखा कत पा रईट आनसर दे पार्टी कत पा रंग आनसर दौरान समस्त कमेंट करूँ जो मैंने भावुँ कि यहाँ रईट आनसर हो पारे समस्त कमेंट करूँ एटा भी हूँ गोटे भेरी 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 इंपोर्टां क्वेश्चन. ठीक अच्छे तो समस्त मन रखिए क्वेश्चन. ठीक अच्छे यार रईट आनसर ऑप्शन बी 2 to 3 hour. 2 to 3 hour इंटरफेल आम गोटे मदर गोटे बेबी को आम फिड दे था. ठीक अच्छे 2 to 3 इंटरवल रे. ठीक अच्छे बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द एक्सट्रा कैलोरीज नीड बाय मदर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फिडिंग आमर केक्सट्रा कैलोरी केमाउंटर एक्सट्रा कैलोरी निड होता है गोटे मदर को ड्यूरींग के बारे ना ब्रेस्ट फिडिंग टाइम ब्रेस्ट फिडिंग टाइम गोटे मदर को केलोरी एमाउंट आमर एक्स्ट्रा नीड होता है दरकार होता है. ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ए ऑप्शन अच्छी 100 calorie, बी ऑप्शन अच्छी 300 calorie, सी ऑप्शन अच्छी 500 calorie, डी ऑप्शन अच्छी 1000 calorie. ठीक अच्छे कौटा हेबर रईट आनसर कहुत जो मैंने भी रईट आनसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखुं एटा हूँ भेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितक ब्रेस्ट फिडिंग में आप क्वेश्चन देखुंत सबूक इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबूक मन रखी जो मैं भूल. ठीक अच्छे ये कौटा हेबर रईट आनसर कहुत ए राइट आंसर ऑप्शन सी 500 calorie. आम गोटे मदर को आम ब्रेस्ट फिडिंग टाइम 500 calorie एक्स्ट्रा दे था. ठीक अच्छे दरकार होता है आम ब्रेस्ट फिडिंग टाइम बुझीपारे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लॉन्ग टर्म थर्म सकिंग मे कॉज डैश इन चाइल्ड आमर जो चाइल्ड कौन करना जब थर्म सकिंग कर थम सकिंग जदि करुच्छे तो आम लॉन्ग टर्म जो थम सकिंग जब करें कौन कज तार कारण कौन तार इफेक्ट हो पाए जदि थम सकिंग जदि लॉन्ग टर्म जब करें कज तार कारण कौन हो पाए. ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ए ऑप्शन अच्छे डेंटल प्रॉब्लम, बी ऑप्शन अच्छे ओम इन्फेक्शन, सी ऑप्शन अच्छे डिक्रीज न्यूट्रिशनल इंटेक, डी ऑप्शन अच्छे ऑल ऑफ द एबव. ठीक अच्छे कौटा हेबर रईट आनसर कहुतु जो मैंने भी रईट आनसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखुं देखा कत पा रईट आनसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ. ठीक अच्छे यार रईट आनसर ऑप्शन ए डेंटल प्रॉब्लम आमर जब लॉन्ग टर्म जो सकिंग थर्म जो सकिंग करोटे बेबी तेल आम डेंटल प्रॉब्लम हेबार चांसेस थाए डेंटल प्रॉब्लम आमर होता है जब लॉन्ग टर्म जब सकिंग कर गोटे चाइल्ड जदि ताल डेंटल प्रॉब्लम आमर होता है बुझीपारे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग इन चिल्ड्रेन विथ हेमोफिलिया गोटे चिल्ड्रेन जब हेमोफिलिया अच्छी तो मोस्ट कॉमन साइट कौटा जोटा कि ब्लीडिंग होता है मोस्ट कॉमन साइट कौटा जो जगह कि ब्लीडिंग होता है गोटे चिल्ड्रेन जब हेमोफिलिया थी. ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ए ऑप्शन अच्छे जॉइंट, बी ऑप्शन अच्छे स्टोमक, सी ऑप्शन अच्छे गम, डी ऑप्शन अच्छे नोज. कौ जगह आम मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग होता है कहुत जो मैंने भी राइट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखुं देखा कत पा राइट आंसर दे पार्टी समस्त कमेंट करूँ. ठीक अच्छे राइट आंसर ऑप्शन ए जॉइंट. जॉइंट रो मोस्ट कॉमनली आम कौन होता है ना ब्लीडिंग होता है गोटे चिल्ड्रेन जब हेमोफिलिया थी बुझीपारे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन आम मोस्ट जन चिल्ड्रेन को जब डायरिया होची मोस्ट कॉमनली को बैक्टीरियल रो कारण रो आमर डायरिया होता है गोटे चिल्ड्रेन को बुझीपारे. तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ए ऑप्शन अच्छे इकोली, बी ऑप्शन अच्छे साल्मोनेला, सी ऑप्शन अच्छे स्टाफिलोकोकस, डी ऑप्शन अच्छे सिगेला. ठीक अच्छे कौटे हम ये राइट आंसर कहुत जो मैंने भी राइट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखुं देखा कत पा राइट आंसर दे पार्टी समस्ते कमेंट करूँ. ठीक अच्छे ये राइट आंसर ऑप्शन ए इकोली. इकोली बैक्टीरिया कारण आम कौन होता है गोटे चिल्ड्रेन रो डायरिया होता है बुझीपारे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डेफिशिएंसी लीड्स टू डायरिया एंड हाइपोकेराटोसिस आमर कौ विटामिन्स रो डेफिशिएंसी रे कौ विटामिन्स रो ए जो भितर देला ऑप्शन ए भितर कौ विटामिन्स रो डेफिशिएंसी रे आमर कौन होता है डायरिया आउ हाइपोकेराटोसिस होता है हाइपोकेराटोसिस होता है. ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखा ए ऑप्शन अच्छे विटामिन ए, बी ऑप्शन अच्छे विटामिन सी, सी ऑप्शन अच्छे विटामिन डी, डी ऑप्शन अच्छे विटामिन के. को विटामिन हेबो कहुत जो मैंने भी राइट आंसर जानते तो जल्दी जल्दी कमेंट बक्स में कमेंट कर दिखुं देखा कत जन पा राइट आंसर दे पार्टी समस्ते कमेंट करूँ.
ठीक अच्छे राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए कारण आमर कौन होता है ना डायरिया आउ हाइपोकेराटोसिस होता है बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मच ए न्यूनेट सुल बी गेन वेट आफ्टर ए सक्सेसफुल फिडिंग। गोटे न्यूनेट वेट गेन करता है आफ्टर सक्सेसफुल फिडिंग पर। आफ्टर सक्सेसफुल फिडिंग पर वेट गेन केते करता है गोटे न्यूनेट बेबी आफ्टर सक्सेसफुल फिडिंग पर केते वेट आमर गेन करता है। ठीक अच्छे हाउ मच वेट गेन करता है। ठीक अच्छे तो ऑप्शन कौन अच्छे देखिए ए ऑप्शन अच्छे 3 to 8 ग्राम पर डे। बी ऑप्शन अच्छे 10 to 15 ग्राम पर डे। सी ऑप्शन अच्छे 15 to 20 ग्राम पर डे। डी ऑप्शन अच्छे 25 to 30 ग्राम पर डे। ठीक अच्छे कौटा हे रईट आंसर कहतु एट समस्त रईट आंसर दिखाँ समस्ते कमेंट करूँ यहाँ हूँ आपण मैं टास्क रहा समस्त यहाँ रईट आंसर देते और फास्ट जी रईट आंसर दे पारे मुझे ना नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करी आगर जमी आपको नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करती तो सेमती मुझे डेली नेक्स्ट क्लास में आपको नाटा अनाउंस करी तो समस्त यहाँ रईट आंसर दिखाँ समस्ते ट्राए करूँ रईट आंसर देवाई। ठीक अच्छे आजपाई ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे जोन मानक आम क्लासटा जब भल लगी है तो लाइक क्लास कर जमार भी भूलु नहीं आज क्लासटा केमी लगे आपण मानक कमेंट करके निहाती जनातु आपर्तंत चैनल जब सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ सब्सक्राइब करने द्वारा आपको पाक फास्ट नोटिफिकेशन पलब आप फास्ट क्लास करेंगे फास्ट भिड देखिपारे से मुझे आपड़ी सब्सक्राइब करना तो आगे सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक्स फर व्वाचिंग भिडियो।